और अब बात सियासत की। लोकसभा चुनावों के साथ चार राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। खास बात यह है कि इन चारों ही राज्यों में जनता ने सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत दिया, कहीं भी त्रिशंकु सरकार नहीं बनी। इन चार राज्यों में से दो, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, नई सरकारें बन चुकी हैं। अब बारी है आंध्र प्रदेश और ओडिशा की। आंध्र प्रदेश को लेकर कोई सवाल था ही नहीं, भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे चंद्रबाबू नायडू कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर ओडिशा में बीजेपी को भारी बहुमत मिला। 24 साल से सत्ता में रहे नवीन पटनायक की पार्टी इस बार हार गई, लेकिन ओडिशा में सवाल यह था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। सुरेश पुजारी, मनमोहन सामल और गिरीश मुर्मू के नाम मीडिया में चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का ताज मिल रहा है मोहन मांझी को। बीजेपी आलाकमान पहले भी कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर ऐसे ही चौंकाता रहा है, और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का ताज दिया जाता रहा जिसका मीडिया में जिक्र न के बराबर होता है। तो वैसा ही ओडिशा में हुआ। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल में मोहन मांझी को नेता चुने जाने पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केबी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परीडा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। इसके बाद मोहन मांझी ने राज्यपाल रघुबर दास से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। अब कल मोहन मांझी भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 52 साल के मांझी ओडिशा के आदिवासी समुदाय से हैं और अपनी संगठनात्मक खूबियों के लिए जाने जाते हैं। वो चार बार से विधायक हैं और इस बार क्योंझर विधानसभा सीट से करीब 11,500 वोटों से जीत कर आए हैं। तो आज जो भी सियासी गतिविधियां हुई हैं और चुना गया है मोहन मांझी को, उस सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भुवनेश्वर से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। ओडिशा को नया मुख्यमंत्री मिला है, मोहन मांझी अब ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो यहां पे मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके जो आप देख सकते हैं काफिला, इस वक्त जो भाजपा के नेतागण है वो सब निकल रहे हैं यहाँ पे, और उन सारे जो नेता है वो जो शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं मोहन मांझी, उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है राज्यपाल के सामने। राजभवन ने दावा पेश करने के बाद मोहन मांझी अब यहां से वापस जाएंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। साथ साथ जो उड़ीसा के 24 साल तक अभी तक मुख्यमंत्री रहा है नवीन पटनायक, उनको भी भाजपा के 5 वरिष्ठ नेता जाकर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने की न्योता दिए थे। और उसमें एक्चुअली न्योता देने के बाद वो नवीन पटनायक भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जो इंतज़ाम है मुख्यमंत्री के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रोटोकॉल उनके साथ अब लग जाएगा, सीएम प्रोटोकॉल जो होता है। लेकिन उड़ीसा में कई चीज़ें हैं, जैसे कि उनके लिए एक ऑफिशियल रेसिडेंस बनाने की एक प्रक्रिया वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि नवीन पटनायक अपने घर पे रहते थे। और साथ साथ आप देख सकते हैं राजभवन में दावा पेश कर दिया है मोहन मांझी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए, और यहाँ पर पूरा तैयारी चल रहा है। कल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे, जिसके बाद मोहन मांझी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ भुवनेश्वर राजभवन से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। लेकिन अब एक दूसरा बड़ा और दिलचस्प सवाल यह है कि उनका आधिकारिक निवास होगा कहां, यह अभी तय नहीं है। ओडिशा के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास कहां होगा, यह अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प सवाल है।
और ओडिशा के अधिकारी अब नया निवास ढूंढने में लग गए हैं। ये एक नई चुनौती उनके सामने सबसे पहली चुनौती बनकर आई है। क्यों? इसकी वजह यह है कि 24 साल से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस पूरे दौर में अपने घर से नवीन निवास से ही सरकार चलाते रहे। यही मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास फिर बन गया और ये एक बड़ा बंगला है जिसे नवीन पटनायक के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने बनवाया था, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहे जाते हैं। राज्य के सियासी इतिहास में ये एक अनूठा उदाहरण है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री निवास रहा वो शिकायत प्रकोष्ठ बन चुका था। ऐसे में अब नए मुख्यमंत्री निवास के लिए कई खाली इमारतों को परखा जा रहा है। अगर कोई इमारत मिल भी जाती है जल्दी तो भी उसमें ज़रूरी मरम्मत और सुविधाएं उसमें मुहैया कराने में, काम करवाने में कई महीने लगेंगे। इस बीच राज्य प्रशासन स्टेट गेस्ट हाउस का एक कमरा नए मुख्यमंत्री के अस्थायी निवास के तौर पर तैयार कर रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री तय हो गए हैं ओडिशा में, लेकिन उनका आधिकारिक निवास अभी तय नहीं है।